फ्रेंड्स, मैं नाम रिके फ्रीडी है। मैं सलमा आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी का बहुत सारे स्टेट्स का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने ऑलरेडी हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे पोस्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारे स्टेट्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट करके रखा है। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है आप देख लीजिए। आप इंडिया के कोई भी स्टेट से या कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप यहाँ पर एक बार विजिट करके देख लेना। यहाँ पर आपका स्टेट का इंडियन आर्मी का रैली का नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, क्योंकि YouTube में मैं ज़्यादातर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि YouTube के रूल के खिलाफ है। एक दिन में 3 से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। तो एक दिन में अगर मैं तीनों इंडियन आर्मी की ही छोड़ूंगा तो बाकी का वीडियो क्या होगा। तो इसीलिए मैंने वेबसाइट पे छोड़ के रखा हुआ है। YouTube में दोस्तों एक एक या दो दो करके YouTube में भी छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हो, defensecarrier.in। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, नहीं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारे स्टेट्स का इंडियन आर्मी का रैली का नोटिस आ चुका है। आप यहाँ पे आके देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं, तो अभी हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो मिडिल आसाम है, मतलब दोस्तों जो नौगांव, मोरीगांव, सुनीतपुर, हुजाई, विश्वनाथ, तो इन डिस्ट्रिक्टों की बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग शायद ये सोचेंगे ये डिस्ट्रिक्ट का तो ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है, तो दोस्तों ये अलग है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने शायद जब अप्लाई किया था उसमें सिर्फ जीडी या जीडी टेक्निकल एंड ट्रेडमैन के लिए आप लोगों ने शायद अप्लाई किया था, लेकिन दोस्तों जो क्लर्क का पोस्ट है, जो नर्सिंग असिस्टेंट का पोस्ट है, जो स्टोर कीपर का पोस्ट है, उन लोगों के लिए दोस्तों पोस्ट नहीं आया था। बहुत सारे कैंडिडेट ने हमें पूछा था कि भैया क्या हो गया, हमारा तो ये क्लर्क भी नहीं है, नर्सिंग असिस्टेंट भी नहीं है और स्टोर कीपर भी नहीं है। तो अभी आ चुका है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इसके लिए अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है दोस्तों 22 फरवरी 2021 इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट है। यहाँ पे दोस्तों जो ARO है, शिलोंग हेडक्वार्टर है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो रैली होने वाला है डिमापुर नागालैंड में, ये आपका रैली होने वाला है दोस्तों। इसमें नौगांव, मोरीगांव, सुनीतपुर, हुजाई एंड विश्वनाथ के डिस्ट्रिक्ट की कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दोस्तों, इसी में बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक सवाल होगा कि हमने तो अप्लाई कर दिया क्योंकि हमारा इस बार रैली तो जोरहाट में होने वाला है, तो दोस्तों क्या मैं इसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, इस साल आप 2 इंटरव्यू एक साथ दे सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास परसेंटेज है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप नागालैंड में भी जाके दे सकते हो और दोस्तों आप जोरहाट में भी जाके दे सकते हो। जीडी यानी कि जीडी या ट्रेडमैन के लिए भी आप दे सकते हो और नर्सिंग असिस्टेंट या क्लर्क के लिए भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो 2 जगह पर आप रैली पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपकी। यहाँ पे दोस्तों जो पोस्ट मिलेगा, नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क एंड स्टोर कीपर टेक्निकल का पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, अगर आप सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे दोस्तों जो परसेंटेज है वो आपका 50 होना चाहिए। आप एक साइंस का स्टूडेंट होना पड़ेगा, उसी के साथ 50% और सभी सब्जेक्टों में 40% मार्क आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों, सोल्जर क्लर्क का पोस्ट। इसमें दोस्तों आपको 10+2 यानी कि हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, लेकिन दोस्तों आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई किया हो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों आपका जो परसेंटेज है वो 60 होना पड़ेगा और सभी सब्जेक्टों में आपका 50% मार्क होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो क्लर्क के लिए। और दोस्तों अगर आप स्टोर कीपर टेक्निकल में अप्लाई करना चाहते हो, इसमें भी आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपका परसेंटेज जो है वो 60 होना चाहिए और सभी सब्जेक्टों में 50% मार्क आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एज लिमिट के बारे में बात करें दोस्तों, तीनों पोस्टों के लिए एज लिमिट सेम है दोस्तों, 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हाइट के बारे में बात करें दोस्तों, 160 सेंटीमीटर अगर आप क्लर्क के लिए जाना चाहते हैं, 160 सेंटीमीटर। SKT यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल में भी 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जाना चाहते हैं, उसमें 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वेट जो है, वोट आपका हाइट का अकॉर्डिंग वेट को मापा जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो वेट का जो एक शेड्यूल है, यहाँ पे आप अपना हाइट देख लेना। यहाँ पे दोस्तों वेट, मिनिमम वेट ये है और मैक्सिमम वेट ये दोनों है, ठीक है। आप लोगों को कैसा देखना है, आपका जितना भी हाइट है ना, आपकी एज भी है यहाँ पर 17 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स के बीच तक कैंडिडेट यहाँ पर देखेगा, और 20 से लेके एबव जितना भी कैंडिडेट है वो यहाँ पर देखेगा, ठीक है। तो आपको देखना क्या है कैसे है, तो यहाँ पे अपना हाइट देख लेना है, उसके बाद इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सेस्ट है वो 77 नॉर्मल सेस्ट होना चाहिए और 5 इंच आपको फैलाना होगा। ये इंडियन आर्मी है, इसमें 1600 मीटर का रनिंग होता है दोस्तों। 5 मिनट 30 सेकेंड की अगर आप 20 में आते हो तो आप लोग को 60 मार्क मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर 45 सेकेंड के बीच तक आते हो तो आप लोग को 48 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बीम या पुलअप्स के बारे में बात करें दोस्तों, अगर आप 10 सेट लगाते हो तो आप लोग को 40 मार्क मिलेगा। अगर आप मिनिमम दोस्तों आपको 6 सेट लगाना ही है, अगर आप 6 सेट नहीं लगा पाते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप 6 सेट लगा पाते हो तो आप लोग को 16 मार्क आराम से मिल जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो लॉन्ग जाप होता है 9 फीट का एक गड्ढा होता है वहाँ पे आप लॉन्ग जाप लगाना होता है, बहुत सिंपल है, कोई भी लगा सकता है। उसके बाद दोस्तों जिगजैग बैलेंसिंग भी देखा जाता है, इसमें कोई भी मार्क नहीं है, आप स्टेबिलिटी देखा जाता है। यहाँ पे दोस्तों मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो मेडिकल टेस्ट का सारी चक आपका दूर हो जाएगा। अगर ये वाला देखोगे तो मेडिकल जो रिटर्न टेस्ट वाला के भी आपका कन्फ्यूजन है तो दूर हो जाएगा। ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल है कि मेरा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सही है, क्योंकि जो नया कैंडिडेट है उन लोगों को पता नहीं होता है ज़्यादातर। तो ये वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट है दोस्तों 9 जनवरी 2020 से लेके इसके लिए 9 जनवरी 2021 से लेके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। ये ऑनलाइन अप्लाई चलेगा 22 फरवरी तक, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है, ठीक है। इसके लिए जो एडमिट कार्ड आता है रैली से पहले, वो एडमिट कार्ड आएगा 23 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच तक आप एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसीड्यूर भी मैंने वीडियो बना के बता के रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो एडमिट कार्ड डाउनलोड बता के साइड में रिक्वायरमेंट लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो रैली होने वाला है इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों 10 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच तक आपका ये रैली होने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो अगर पीडीएफ चाहते हो इस वीडियो का तो यहाँ पे क्लिक करके ऑफिशियली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों अगर आप नया कैंडिडेट हो तो आप पहली बार करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देना, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल में खुद ऑनलाइन अप्लाई या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख लेना, रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो है, ये है ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो जो कि आप अपने मोबाइल में किस तरह से कर सकते हो ये समझा के रखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और साइड में जो बेल आइकन है उसका प्रेस करके रहना क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए प्रोवाइड करा जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रहना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।